हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाकर डाली थी जिसमें ये वेबसाइट नहीं चल रही थी बिहार कोरोना सहायता ऐप की, तो मैंने बोला था ये कि अगर आप मॉर्निंग में या फिर नाइट के टाइम या आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपकी वेबसाइट प्रॉपर चलेगी और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने इस वेबसाइट को ऑन किया है। इस टाइम जो है कि ट्रैफिक बहुत कम होगा, बहुत ही कम यूज़र्स इस वेबसाइट पर होंगे, इस वजह से ये वेबसाइट वर्क करने लगी। और हो सकता है इस वेबसाइट में अभी मेंटेनेंस किया गया हो, इस वजह से काम करने लगी है। तो यहाँ पे जो रिलीज़ डेट दिखा रहा है, सेकंड जो अपडेट किया गया है वो है 20 तारीख चौथा महीना, 20 की डेट की अपडेटेड है। तो यहाँ से आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना है, तो मैंने यहाँ से डाउनलोडिंग पर लगा दिया है, ये ऐप अब डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये ऐप डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। इसको मैं दोबारा से करता हूँ डाउनलोड। ये ऐप मेरा डाउनलोड हो गया, अब इसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है, ऐप इंस्टॉल हो गया। पहले क्या था, पहले ओल्ड एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में इंस्टॉल था, इसलिए मैंने उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल नहीं हुआ तो मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे नया ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, तब जाके ये ऐप मेरा इंस्टॉल हो गया है। तो अब आगे हम प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर ये नीड अलाउ एक्सेस स्टोरेज, ओके ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक वीडियो भी डाल दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरी मानव जाति संकट के दौर से गुजर रही देश। बाकी आप ये वीडियो देख सकते हैं, 4 मिनट की वीडियो है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस एप्लीकेशन में। पंजीकरण या सुधार के लिए इस बटन को दबाएं। अब आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है। मैं बिहार का निवासी हूँ, मेरा खाता बिहार राज्य की ब्रांच में है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के लिए IFSC कोड ये डालना है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के लिए IFSC कोड ये डालना है। वैसे लोग जो पंजीकरण नहीं करा पाए वो पुनः प्रयास कर सकते हैं। फ़ोटो की सेल्फी न लें, अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास फर्स्ट आधार कार्ड का फ़ोटो आ रहा है और दूसरा फ़ोटो। तो इस तरीके से हमें दोनों फ़ोटो खींचनी है। और पंजीकरण के लिए इस बटन को दबाएँ। फ्रेंड्स, अगर पंजीकरण आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको पंजीकरण फर्स्ट करना होगा। अगर आपने पहले कर रखा है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आधार कार्ड फ़ोटो और खाता संख्या में सुधार करने, अपना स्टेटस देखने व वीडियो डालने के लिए इस बटन को दबाएं। ठीक है, तो पंजीकरण के लिए आप इस पर जाएंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में जिला का नाम, दूसरा गृह प्रखंड का नाम, तीसरा गृह पंचायत का नाम, चौथा लाभार्थी का नाम, फिर आगे है जन्म का साल आधार के अनुसार होना चाहिए, फिर लाभार्थी का लिंग, पिता का नाम और लाभार्थी का आधार नंबर। इसके आगे आप आगे जाएंगे तो आगे का आपको प्रोसेस मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर किसी ने इसको फॉर्म को पहले अप्लाई कर रखा है तो उसको आधार कार्ड दूसरे ऑप्शन पर जाना होगा, आधार कार्ड फ़ोटो अथवा खाता संख्या में सुधार करने के ऑप्शन में, या फिर उनको स्टेटस चेक करना हो तो स्टेटस चेक करने के लिए भी इस ऑप्शन में जा सकते हैं। तो मैं इस ऑप्शन में चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार नंबर और OTP डालने का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। तो चलिए हम आधार नंबर और OTP डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आधार नंबर और OTP डाल दिया है। आधार नंबर OTP डालने के बाद ओके करने के बाद यहाँ पे हमें एक मैसेज दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है आपके बैंक खाता में आपदा विभाग विभाग बिहार सरकार द्वारा 1000 की राशि भेजी जा रही है जो आपके दिए खाते में पहुंचेगी, कृपया आपके बैंक से आने वाले SMS का इंतज़ार करें। तो इसको ओके कर देते हैं, बैक चले जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स आपने यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर लिया है जिन्होंने पहले से अप्लाई कर दिया था। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे आप पंजीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों पंजीकरण के लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बना दिया है, वो प्रॉपर वीडियो है, तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन का लिंक आएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को सब लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए लोग जरूर करें सब्सक्राइब चैनल को, ताकि इससे रिलेटेड आने वाले टाइम में आपको सारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।